जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SSB हेड कांस्टेबल आंसर की 2023 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, आपके आंसर की आ चुकी है। और यहां पर आंसर की कैसे चेक करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है, उसका प्रोसेस आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप आंसर की डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहां पर आंसर की डाउनलोड करने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है, ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप खुद से अपनी आंसर की चेक और डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली SSB ने जितनी भी पोस्ट के एग्जाम लिए थे, सभी की आंसर की जारी कर दी है। और उसी में आपका जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट आया था 914 पद पर, इसका आंसर की भी आया है, जिसके फॉर्म आपने यहां पर 18/6/2023 तक भरे थे। और यहां पर बाकी की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं कि इस तरह से कोई आंसर की या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वीडियो बनाता हूं, तो कुछ कैंडिडेट के सवाल आते कि ये वैकेंसी कब आई थी, तो उन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी कब आई थी और कब से लेकर के कब तक इसमें कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा था। तो अभी आपने ये सब यहां पर जानकारी जान ली है। अभी आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और यहां पर आपको SSB HC आंसर की 2023 PDF डाउनलोड, इस लिंक को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जहां पर आप आपका रोल नंबर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में गाइज, आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अभी यहां पर गाइज डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने में कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है और कुछ ने यहां पर इसको क्रैक कर लिया है। क्रैक मतलब उनके सामने सही से वेबसाइट ओपन हो गई थी और उन्होंने अपनी जो DOB है वो सही से यहां पर एंटर कर ली थी, बट अभी ज्यादातर कैंडिडेट के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम है। और यहां पर गाइज, अगर आप इसको लॉगिन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा वेट कर लेना है। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वेबसाइट का जो यहां पर एक्सेस है वो दिया गया हो और उसी समय के अंदर कुछ कैंडिडेट ने अपनी आंसर की को डाउनलोड कर लिया हो और उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई हो। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह से किसी एग्जाम के आंसर की एडमिट कार्ड या रिजल्ट आता है या फिर कोई किसी वैकेंसी का फॉर्म शुरू होता है, तो शुरुआत में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो गाइज, यहां पर अगर ये प्रॉब्लम अभी आ रही है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा मेरे द्वारा आंसर की चेक कराने के लिए आपको कहां पर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। बट अभी के लिए यहां पर जैसे ही आप आपका रोल नंबर DOB सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने आपकी फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको कैंडिडेट रेस्पॉन्स की टैब पर जाकर के अपनी आंसर की को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप आपकी आंसर की डाउनलोड कर लेंगे, आपके सामने इस तरह से आपके आंसर की आ जाएगी, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर गाइज आपको आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि SSB के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 2021 के अनुसार असम में चाय बागान कर्मचारी को कितना अनुपात स्थायी माना जाता है। तो यहां पर SSB के अकॉर्डिंग पहला आंसर सही है और कैंडिडेट ने यहां पर फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जिसका मतलब हो जाता है कि ये कैंडिडेट ने गलत जवाब दिया है। फिर यहां पर सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूज मिसाइल का एक प्रकार है। तो यहां पर सही जवाब SSB के अकॉर्डिंग दूसरा है और कैंडिडेट ने भी यहां पर दूसरा ही आंसर दिया है, जिसका मतलब इसका इन्होंने सही जवाब दिया है। फिर यहां पर सवाल नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर मैदान का वैकल्पिक नाम नहीं है। तो सही जवाब है यहां पर आपका घग्गर बेसिन, बट यहां पर जो कैंडिडेट है इसने भी पहला ही सिलेक्ट किया, तो जिसका मतलब यह हो जाता है कि कैंडिडेट ने इसका आंसर भी सही किया है और इसका भी उसको नंबर दिया जाएगा। फिर सवाल नंबर 4 आता है कि संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब यहां पर है फर्स्ट, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आपका सही जवाब है और कैंडिडेट ने भी पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये भी कैंडिडेट ने सही आंसर किया है। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर सही आंसर है फर्स्ट, बट कैंडिडेट ने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में सही जवाब है फोर्थ और कैंडिडेट ने यहां पर दूसरा सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में सही जवाब है यक्षगान किस राज्य में से संबंधित है, तो कर्नाटक सही जवाब है और कैंडिडेट ने भी पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर यहां पर सवाल नंबर 8 में भी यहां पर संवैधानिक संशोधन विधेयक कहां पेश किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है दूसरा, या तो राज्यसभा या लोकसभा, और इसका सही जवाब कैंडिडेट ने भी दूसरा ही दिया है, इसका मतलब ये सही जवाब है। फिर सवाल नंबर 9 आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब दूसरा है, कैंडिडेट ने दूसरा ही सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में फोर्थ ऑप्शन सही है और कैंडिडेट ने यहां पर फोर्थ
सिलेक्ट किया है। तो गाइज इस तरह से आपको आपके जो क्वेश्चन है वो मिलान कर लेना है। अब अगर आपने आंसर की चेक कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो आपके कितने सवाल सही आए हैं वो आपको बताना है और कितने गलत आए हैं वो भी आपको बताना है। इसके अलावा गाइज अगर आप अपनी आंसर की चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, ये आप ओपन करेंगे। इसमें आपको कमेंट में कोई भी जानकारी नहीं देनी क्योंकि यहाँ पर आपको दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है। इसलिए गाइज आप यहाँ पर लास्ट में आइए और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम देंगे, आपका ईमेल आईडी देंगे, फ़ोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा आपकी आंसर की का। मैसेज के अंदर आप यहां पर आपका रोल नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही आप यहां पर लिखेंगे एसएसबी और उसके बाद में जिस भी पोस्ट की आंसर की आपको डाउनलोड करानी है उस पोस्ट का नाम। जिसके एग्जाम्पल के लिए अगर आपको हेड कॉन्स्टेबल की आंसर की चेक करानी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे एसएसबी एचसी आंसर की 2023। अगर आपको ट्रेड्समैन की करानी है तो आप यहाँ पर तीसरी लाइन लिखेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन आंसर की 2023। तो इस तरह से आपको यहां पर लिखना है। तीसरी लाइन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज उसी से मुझे पता चलता है कि आपने क्या कराना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम की आंसर की रिजल्ट और एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आप डिपार्टमेंट नेम मेंशन नहीं करते, नहीं बताते कि किस चीज की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहां की चीज है और मुझे इसका करना क्या है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको यहां पर आपका रोल नंबर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और साथ ही एसएसबी एचसी आंसर की 2023 या फिर जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको लिखनी है एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी, मेरे से इतनों का भी हो पाएगा वो आंसर की चेक किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा और उनके नंबर पर उसको सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि बस मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए। वैसे आप इतना कुछ सहन करते हो और इतना कुछ झेलते हो तो मुझे लगता है कि यार चलो आपकी हेल्प की जाए जितना मेरे से हो सकती है। सो बस यही थी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।